इंदौर महू के पूर्व विधायक प्रीमियम कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष अंतर सिंह दरबार के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। महू तहसील के किसानों की मुख्य फसल जिसे पीला सोना कहा जाता है सोयाबीन खराब होने पर किसानों को 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिलाने की भी मांग की। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव, जाटव सिंह धनावत, रामेश्वर पटेल, एहसान पटेल, गजेंद्र सिंह राठौर, पार्षद मुजीब कुरैशी के साथ कई लोग मौजूद रहे। ये आज जो ज्ञापन है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नाम दिया है और मांग की गई है कि सोयाबीन की फसल जैसे कोरोना फैल रहा है, कोरोना में तो समय भी मिला है, लोगों को भर्ती भी हो रहे हैं, दवाई भी हो रही है, उसके बाद नुकसान हो रहा है, परंतु ये तो अचानक सोयाबीन जो है आज क्या है कल क्या है, ये 4-5 दिन के अंदर ही एक ऐसा वायरस आया है, अज्ञात वायरस है जो कोई नहीं बताने को तैयार नहीं है। जब हम अभी कृषि विज्ञानों को संपर्क कर रहे हैं तो उनकी भी समझ से परे है कि ये कौन सा वायरस एकदम आया है। जब फसल एकदम पकने के तैयार पर्व में फली भी आ गई है, परंतु फली जो है जब ये सोयाबीन जो हाइट दिख रही है ये कम से कम एक एक फिट और ऊपर था जो एक दाने नहीं भर पाएंगे, उसी बात को लेकर ज्ञापन दिया है। और हमारी मांग है कि माननीय शिवराज सिंह जी को हमने एक उनको पेन ड्राइव दी है और आप सब लोगों को भी हम दे देंगे कि वो जब विपक्ष में थे तो वो किस प्रकार की मांग कर रहे थे, तो आज आपको करने का है, आप मुख्यमंत्री हैं और उस समय तो आपने जो सोयाबीन आपके हाथ में है वो हरे सोयाबीन थे, पर आज तो वाकई में ये कोई राजनीति नहीं है, इसमें सबके सामने दिख रहा है और वो किसान के बेटे हैं, तो अब किसान को लिए जो उन्होंने मांग की थी उस समय कि 40,000 रुपये हेक्टर दिया जाए, तो आपको करने का है, आप उस कथनी और करनी को पाटें और इस चीज़ को जो है किसानों को मुआवजा दें, क्योंकि इस कोरोना काल में लॉकडाउन के अंतर्गत किसानों का दूध डेयरी चौपट हो गई है, गर्मी की जितनी भी फसलें हैं वो सब चौपट हो गई है, कद्दू आज अभी उसमें भी ऐसा ही वायरस लगा है वो भी पूरा खत्म हो गया है, किसानों को आपके खुद के बयान अनुसार मुआवजा दिया जाए, यही हमारा, नहीं तो हमारा ये कहना रहेगा कि आप सिर्फ राजनीति करते हैं किसानों के साथ, वो कुछ भी नहीं कहते हैं। माननीय कमलनाथ जी तो किसानों को कर्ज माफ कर रहे थे, दो बार का कर्ज माफ हुआ, आपका कृषि मंत्री कह रहा है कि किसानों का कर्ज माफ करना पाप है, तो किसान ऐसी हालत में करे तो क्या करे, जब आपने तो किसानों का कर्ज को पाप समझ लिया है, तो आज किसान इस और आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमने जो है इस प्रकार से किसानों की मदद कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो कहाँ कर रहे हैं, धरातल पर नहीं है लोग, वरिष्ठ लोग यहाँ आए हैं, यही आज का हमारा विषय था। इंदौर के महू से केकेडी न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट। जौनपुर में उद्योग व्यापार मंडल ने जिला प्रशासन का सहयोग करते हुए कोविड 19 के लिए व्यापारी जन जागरूकता का अभियान नगर उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष राधे रमण के नेतृत्व में भंडारी रेलवे स्टेशन से प्रारंभ किया, जिसमें सभी दुकानदारों को मास्क और पंपलेट देकर जागरूक किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व चेयरमैन दिनेश टंडन, जिला महामंत्री रवि मिगलानी, सह कोषाध्यक्ष संजीव जायसवाल के साथ सभी पदाधिकारीगण मौजूद रहे। आज हमारे दिनेश टंडन जी, राधे रमण जी तथा उनकी टीम आज पूरे नगर के अंदर जिस तरह से कोरोना महामारी के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने जो ये अभियान चलाया है, आज जागृत करने के लिए व्यापारियों को घेरा बनाया गया है, कहा जा रहा है कि अपनी दुकान पर सरकारी निर्माण विभाग को भी गाइडलाइन उनको पूरा करते हुए आप लोग करें, क्योंकि हम लोग व्यापारी सदा देश के हित की बात सोचते हैं और सदा सोचते रहेंगे। Thank you.
जौनपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट।